संसदीय इतिहास में देश के अन्नदाता किसान और खेत मजदूर के लिए आज काला दिन है। सीधा सवाल देश की संसद में पूछा गया कि एमएसपी का कानून सरकार लेकर आएगी या नहीं लेकर आएगी। सीधा सवाल पूछा गया कि जुलाई 2022 से 24 तक वो कमेटी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई थी एमएसपी का कानून लाने की, उसकी रिपोर्ट की सिफारिश कानून बनाने के लिए आई या नहीं आई। सीधा सवाल पूछा गया कि किसान को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक C2+50% यानी cost+50% का मुनाफा कब मिलेगा। इन तीनों का जवाब केवल और केवल झूठ की जलेबी में देश के कृषि मंत्री ने ठुकरा दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मोदी सरकार ने आज 72 करोड़ अन्नदाता किसान और मजदूर का घोर अपमान संसद के पटल पर किया। कृषि मंत्री और मोदी सरकार ने आज लाखों किसान जो दिल्ली के दरवाजे पर न्याय की गुहार लेकर दस्तक लगाते रहे, 700 किसान शहीद हो गए, आज उनकी शहादत का अपमान देश के हर उस किसान का जिसने फांसी का फंदा चूम लिया, आज उस हर किसान की शहादत का, मजदूर की शहादत का अपमान मोदी सरकार और कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने किया है। दुर्भाग्य यह है कि वो व्यक्ति जिसने मंदसौर में किसानों के सीने पर गोलियां चलाई थी, किसानों के खून से मध्य प्रदेश की धरती को लाल कर दिया था, आज उसी व्यक्ति को देश का कृषि मंत्री बना रखा है। साफ तौर से मोदी सरकार ने, देश के कृषि मंत्री ने एमएसपी का कानून बनाने से इनकार कर दिया। साफ तौर पर लागत जमा 50% मुनाफा जो वादा कर मोदी सरकार सत्ता में आई थी उससे इनकार कर दिया। हम क्या कह रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विपक्ष के सारे साथी केवल और केवल एक सवाल पूछ रहे थे, एमएसपी का कानून सरकार लेकर आएगी या नहीं लेकर आएगी, और कृषि मंत्री एमएसपी के नाम पर जलेबी जलेबी का खेल खेल रहे थे। ये तिरस्कार है, घोर अपमान है अन्नदाता किसान का भी